सरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे शहर शहर खबर खबर में। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी पुरजोर प्रचार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के 50 लाख कार्यकर्ताओं के साथ डिजिटल बैठक की। इस दौरान पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कर्नाटक में लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है। भाजपा ने तो हमेशा चुनाव को लोकतंत्र के महोत्सव की तरह सेलिब्रेट किया है। लोकतंत्र का सूत्र समझाने वाले भगवान बसवेश्वर की धरती से कर्नाटक की समृद्ध परंपरा के प्रतिनिधि और राष्ट्रभक्ति से ओत प्रोत भाजपा के कार्यकर्ता होने का डबल गौरव है, आप सभी को प्राप्त है। हमने गवर्नेंस के हर क्षेत्र में स्केल, स्पीड, सोच और अप्रोच में आमूलचूल बदलाव किया है। आइए अब देखते हैं, दो साथियों से बात हुई, अब तीसरा सवाल लेते हैं। सवाल मुझे चंद्रशेखर जी का है और चंद्रशेखर जी विजयनगर से हैं। उनका सवाल है कि आपने, ये मुझे पूछ रहे हैं, आपने हमेशा से कहा कि कर्नाटका रामदूत हनुमान की नगरी है और संस्कृति से भरे प्रदेश का देश है और विकास, देश के विकास में ये बहुत बड़ा योगदान देने वाला प्रदेश है। कर्नाटका की सॉफ्ट पावर में आप कितनी संभावनाएं देखते हैं? अगर मुझे एक वाक्य में कहना है चंद्रसिंह जी, तो मैं यही कहूंगा, मैं बहुत ही संभावनाएं देखता हूं। और इस अर्थ में आपका सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण लगता है। देखिए, भाषा, संस्कृति, साहित्य और इतिहास की गौरवशाली धरोहरों में कर्नाटका बहुत समृद्ध है। आप वहां रहने वालों का ध्यान जितना जाता होगा, हम बाहर से जब आते हैं ना, हम तो अभिभूत हो जाते हैं। कर्नाटका की दो बातें मुझे हमेशा से अपनी ओर खींचती हैं। आध्यात्मिकता में कर्नाटका कोई मुकाबला नहीं, और यहां पर आध्यात्मिकता लोगों को एक साथ लाकर सामाजिक जागरूकता की तरफ जाने को प्रेरित करती है। निकाय चुनाव में बीजेपी धुआंधार प्रचार में जुट गई है। वहीं पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में प्रचार का एक्शन प्लान बना लिया गया है। जहां सीएम योगी की ताबड़तोड़ दो जनसभाएं होंगी। 29 अप्रैल और 1 मई को सीएम योगी वहां पर जनसभा करेंगे। उनकी पहली रैली 29 अप्रैल को शिवपुर में होगी और दूसरी रैली 1 मई को। दूसरी रैली के लिए स्थान चयन करने के लिए पार्टी पदाधिकारी मंथन कर रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य 28 अप्रैल को नगर निकाय चुनाव को लेकर वाराणसी जिले और महानगर में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे रोहनिया स्थित भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय पर युवा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक 28 अप्रैल को मंडुआडीह स्थित विश्वनाथ गार्डन में आयोजित महिला मोर्चा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद रोडवेज बस स्टैंड के निकट स्थित हॉस्पिटल में डॉक्टरों से मुलाकात कर विकास कार्यों पर चर्चा भी करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़े हैं। विभांशु, बीजेपी अपने हमेशा प्रचार प्रसार को लेकर, चुनाव को लेकर हमेशा एक्शन मोड में नजर आती है। वहीं अब जो है पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में बीजेपी का प्रचार प्रसार का प्लान बनाया गया है। जी नंदनी, आपको बता दें कि निकाय चुनाव के मद्देनजर रखते हुए हर राजनीतिक दल अपने पैतरे और अपने तौर तरीकों से प्रचार अभियान की शुरुआत कर चुका है। तो वही सूबे के मुख्यमंत्री अपने प्रचार अभियान के शुभारंभ सहारनपुर से कर चुके हैं। और अब बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर 3 दिनों तक बनारस में रहेंगे। आपको बताएं कि 29 अप्रैल से और 1 मई तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनारस, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में 2 जनसभाओं को करेंगे और अलग अलग कार्यक्रम में शिरकत करके, और साथ ही साथ बनारस नगर निगम और जो वहां के आसपास की नगर पालिका पंचायतें हैं
वहां पर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम प्रत्याशी हैं उनको एक मंच पर लाकर और उनके समर्थन में वोट मांगते हुए नजर आएंगे। इस दौरान अगर बात करें तो सूबे के दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। अगर बात की जाए तो शिवपुरी में एक रैली करेंगे, साथ ही साथ दूसरा रैली की अगर बात की तो बनारसी में करेंगे। इस दौरान अगर बात की जाए तो मरुआ डी में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कहीं ना कहीं वो प्रदेश भर की जो तमाम सीटें हैं उस एक मन से वो वहां से वोट मांगते हुए नजर आएंगे। आपको बताएं कि 28 अप्रैल को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचेंगे और 1 बजे रोहनिया स्थित भाजपा कार्यालय में युवा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अगर बात की जाए तो चाय पे चर्चा का भी कार्यक्रम रखा गया है बनारस के अंदर में, जहां वो जाकर अब निकाय चुनाव में जो भी निकाय चुनाव के भारतीय जनता पार्टी के और घटक दल अपना दल के प्रत्याशी उनके समर्थन वोट मांगते हुए नजर आएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि मुख्यमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियों से क्या विभाषु प्रशासन ने किस तरीके पर वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारी की है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री वहाँ प्रचार प्रसार के लिए पहुँच रहे हैं। जी अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री की जनसभा है और मुख्यमंत्री एक खुद में अब उनकी सिक्योरिटी होती है, उनके साथ खुद की सिक्योरिटी चलती है, तो मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी उनके कहीं ना कहीं उनके दौरे से पहले ही वहां पहुंचकर सुरक्षा के हर पहलू को जांचेगी और साथ ही साथ लोकल पुलिस यानी कि बनारस की जो कमिश्नरेट है वो पूरी तरह से तत्परता के साथ इन मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के हर एक प्रयास करेगी। अगर नंदनी बात की जाए तो खास तौर से देखें तो मुख्यमंत्री को हाल फिलहाल में कहीं ना कहीं एक तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह अपनी ताकत झोंक रही है। सीएम योगी से लेकर दोनों डिप्टी सीएम प्रचार में कूद पड़े हैं, जहां आज भी धुआंधार प्रचार होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की मथुरा में जनसभा किया जाएगा, वहीं इसके बाद फिरोजाबाद और आगरा में जनसभा है, वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद सीएम लखनऊ में भी जनसभा करेंगे। सीएम दौरे को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि सीएम फिरोजाबाद के तिलक इंटर कॉलेज में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं आगरा के राजकीय इंटर कॉलेज में उनकी जनसभा होगी। तो मथुरा, फिरोजाबाद, आगरा में आज सीएम की जनसभाएं होंगी। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी बिल्कुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े तमाम नेता जो है निकाय चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता सुहानी जुड़ेंगे। सुहानी, सीएम योगी आदित्यनाथ की आज मथुरा, फिरोजाबाद, आगरा में जनसभाएं होंगी, निकाय चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार लगे हुए हैं। जी नंदी, आपको बता दें कि यूपी निकाय चुनाव में अब कुछ ही दिन बचा हुआ है और पूरे बीजेपी जब चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे उप मुख्यमंत्री हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह है वो तबाहतोड़ ये रैलियां और दौरे कर रहे हैं और ये निकाय चुनाव के पूरे प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वही आपको बता दें कि आज जो बीजेपी है जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो आज मथुरा, फिरोजाबाद और आगरा में जनसभाएं को संबोधित करेंगे। वही डिप्टी सीएम भी अवध और पश्चिम से जनसभा करेंगे। मुख्यमंत्री ने सुबह से लेकर 11 बजे तक जो बैठकें हैं और जो दौरे वो शुरू हो गया है और शाम के 5 बजे तक के दौरे को वही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आज दोपहर 2:30 बजे राजकीय इंटर कॉलेज आगरा में जनसभा करेंगे और वहीं पे जनता से अपील भी करेंगे। और तमाम आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जो है इस चुनाव को लेकर 2024 के लोकसभा को एक लिटमस पेपर माना जा रहा है और इस चुनाव में बहुत एक अहम भूमिका जो है योगी आदित्यनाथ निभा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है ये जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए सभी पार्टी जोर शोर से तैयारी कर रही है। वही आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जो है सोमवार से ही इसका महाअभियान शुरू कर दिए हैं दौरे का और तमाम उत्तर प्रदेश के जो राज्य है जो क्षेत्र है उसमें जाके जनसभाएं कर रहे हैं और जनता से बात कर रहे हैं। वही उनका साफ तौर से कहना है कि योगी सरकार जब से भाजपा आई है उत्तर प्रदेश में तब से जो है लंबे समय से जो भाषण में दंगा होता था, कार्पी लगता था, माफिया लगता था, रंगदारी होती थी, ये सब चीजें जो है वो हट गई है और पूरी तरह से जो उत्तर प्रदेश है शांति का माहौल है, वहाँ पे खुशी का माहौल है, हर तरफ से कहीं ना कहीं कार्पी और दंगे फसाद अब नहीं होता है। दिन अंदर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुहानी।
यूपी निकाय चुनाव में पहले चरण के मतदान से पहले सपा और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, जहां आज समाजवादी पार्टी के सरोजनी नगर से जिला पंचायत सदस्य पलक रावत सहित कई नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ले ली। इसी तरह कांग्रेस के कई नेता भी भाजपाई हो गए। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष भाजपा में शामिल हो गए। दिलप्रीत सिंह डीपी ने भाजपा की सदस्यता ले ली है। इसके अलावा कांग्रेस के टिकट पर पार्षद का चुनाव लड़ चुके रणवीर सिंह कलसी और कांग्रेस शहर महासचिव संजय गिरी भी भाजपा में शामिल हो गए। उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने सभी नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इससे पहले शाहजहांपुर की महापौर की उम्मीदवार अर्चना वर्मा ने सपा छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। नेता गैंड विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे बिजली सिंह डीपी जी ने अपने हजारों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, कांग्रेस पार्टी को दिलाजी दी है। हम पार्टी की तरफ से आपका स्वागत करते हैं और हम सब जिस ढंग से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ रहा है। आस्तिक समाज के बड़े नेता ने हमारी पार्टी को ज्वाइन किया है, हम उन्हें परिवार के भांति पार्टी में ज्वाइन किए हैं और हम सब पूरे प्रदेश के लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि हम सब मिलकर के प्रदेश को उत्तम प्रदेश स्वर्णिम प्रदेश बनाने के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। जिस ढंग से गरीब कल्याण योजनाएं धरातल पर उतरी हैं, जन जन में माननीय मोदी जी के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है, उत्तर प्रदेश के लाइन ऑर्डर की सराहना सब लोग कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन लोगों का रुझान बीजेपी के साथ बढ़ रहा है और सर्व समाज बीजेपी में बड़ी आशा भरी नज़रों से माननीय मोदी जी के प्रति देख रहा है। हम सब मिलकर के अपने प्रदेश को उत्तम प्रदेश स्वर्णिम प्रदेश बनाने के लिए काम करें। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, समाजवादी पार्टी को लगातार एक झटके के बाद एक झटका लगता ही जा रहा है, कई सदस्य जो हैं अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। जी नंदनी, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव के दरमियान लगातार विपक्षी पार्टियों के दलों के नेताओं के साथ कहीं ना कहीं सदस्यता उनको अपने पार्टी से निकालकर अपने पार्टी की सदस्यता दिलाने में लगातार कार्य कर रही है और कहीं ना कहीं जो भी अलग अलग दलों के नेता हैं जो नाखुश हैं अपनी पार्टी से, उन्हें अपने पार्टी में शामिल करते हुए नजर आ रही है। आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसमें सूबे के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक की अध्यक्षता में बैठक रखी गई जिसमें अलग अलग पार्टियों से आए नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की शपथ दिलाई गई थी। आपको बताया कि बीते दिन अगर बात करें तो शाहजहांपुर की महापौर की प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी अर्चना वर्मा भाजपा में सम्मिलित हुई तो उसके ठीक बाद अब भारतीय जनता पार्टी में आज लगभग हजारों की संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हैं। बात करें तो समाजवादी पार्टी से जिला पंचायत सदस्य पलक रावत को आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता सूबे के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक के द्वारा दिलाया गया है। साथ ही साथ कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष दिलप्रीत सिंह डीपी को भी भाजपा का सदस्यता सूबे के उप मुख्यमंत्री ने दिलाया है। वहीं अगर बात की जाए तो कांग्रेस के टिकट पर पार्षद का चुनाव लड़ चुके रणवीर सिंह कलसी को भी भाजपा का सदस्य बनाया गया है। कांग्रेस के शहर महासचिव संजय गिरी भी आज भाजपा का दामन थामे हैं। साथ ही इन नेताओं के साथ लगभग हजारों की तादाद में कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी के दामन थामते हुए नजर आए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस गठजोड़ से जो तोड़फोड़ की राजनीति है इससे बीजेपी को कितना लाभ होता है। समाजवादी पार्टी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा आने वाला चुनाव, क्योंकि उनके ही पार्टी के खिलाफ उनके ही लोग कभी मोर्चा खोल दे रहे हैं, कभी पार्टी छोड़कर दूसरे के सदस्यता ग्रहण कर ले रहे हैं। जी निश्चित तौर से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को इन सब मामलों को देखते हुए डैमेज कंट्रोल करना होगा। और बात करें तो शाहजहांपुर के अंदर में काफी मंथन के बाद प्रत्याशी के नाम का ऐलान हुआ, ठीक वैसे ही आज कांग्रेस और साथ ही साथ सपा के पदाधिकारियों को आज भाजपा में शामिल होने के बाद कहीं ना कहीं एक लंबा झटका दोनों दलों को लगा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले को लेकर डैमेज कंट्रोल कैसे कब की आने वाले दिनों में साफ पाएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही हैं, लेकिन बसपा को प्रत्याशी ही नहीं मिल रहे हैं। निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की स्थिति छोटे राजनीतिक दलों जैसी हो गई है। इस बार पार्टी को भी सभी वार्डों में प्रत्याशी नहीं मिले, ऐसे में खफा हुई बसपा।
सुप्रीमो मायावती ने कई पदाधिकारियों को इधर से उधर किया है। कानपुर में पार्टी ने कुल 110 वार्डों में से सिर्फ 70 वार्डों में ही पार्षद प्रत्याशी उतारे जाने का दावा किया है, जहां बसपा को कानपुर में भी उम्मीदवार नहीं मिला। सभी सीटों पर उम्मीदवार बसपा उम्मीदवार खपा चल रहे हैं। आपको बता दें कि पार्टी प्रमुख ने मुख्य जोन इंचार्ज मुनकाद अली को हटा दिया है और अब नए सिरे से समशुद्दीन को जिम्मेदारी मिली है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, बसपा सुप्रीमो ने इधर उधर अपने पदाधिकारियों को किया है क्योंकि उनको पार्टी जो है पार्टी के उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी का अगला एक्शन क्या हो सकता है? जी नंदनी, आपको बताएं कि निकाय चुनाव जहां आप देख रही हैं कि सभी राजनीतिक दल अपने पैतवे से अपने तौर तरीके से अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारकर उन्हें जिताने के लिए हर एक मुमकिन प्रयास कर रहे हैं, प्रत्याशियों की तरफ से हर पुरजोर मेहनत की जा रही है। तो वहीं बात करें तो कानपुर नगर निगम के अंदर में 110 वार्ड हैं, जिसमें बसपा पार्टी की तरफ से महज 70 वार्डों में ही पार्षद प्रत्याशी उतारे गए हैं, जिसको लेकर बसपा की सुप्रीमो मायावती की तरफ से एक बड़ा एक्शन लेते हुए जो पार्टी के कहीं ना कहीं जोन के इंचार्ज थे, प्रमुख मुख्य जोन इंचार्ज थे मुनकाद अली, उनको हटाकर अब नए सिरे से शमसुद्दीन को जिम्मेदारी मिली है। तो निकाय चुनाव में जो 70 सीटों पर बसपा अपने उम्मीदवारों को उतारी है और महापौर की प्रत्याशी है और आस पड़ोस की नगर पालिका, नगर पंचायत और कहीं ना कहीं नगर निगम की जो जिम्मा है वो अब शमसुद्दीन के हाथों दी गई है। अब कहीं ना कहीं देखे तो पूर्व में जो इंचार्ज थे उनकी एक लापरवाही है कि कहीं ना कहीं 110 वार्डों पर उन प्रत्याशी नहीं उतार सके और 40 वार्डों पर कहीं ना कहीं वॉक ओवर दिए हैं अन्य दलों को। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इन 70 सीटों पर जो उम्मीदवारों की घोषणा की गई है इसमें से कितने प्रत्याशी जीत कर आते हैं और शमसुद्दीन को जो जिम्मेदारी दी गई है उसमें वो कितना खरा उतर पाते हैं वो चुनाव नतीजों के बाद साफ हो पाएगा। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत ने पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9355 नए मामले दर्ज किए हैं। वहीं 26 नई मौतों के बाद देश में अब तक कोविड से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 531,424 हो गई है। हालांकि आज मामले बीते दिन से कम सामने आए हैं, साथ ही बीते दिन देश में कोरोना के 9629 मामले सामने आए थे। वहीं 29 लोगों की कोरोना से मौत हो गई थी, जिसमें अकेले केरल के 10 मरीज शामिल थे। आज के जारी आंकड़ों के बाद भारत में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 57,410 हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़ेंगे। विवेक, लगातार कोरोना के मामले कभी ज्यादा बढ़ रहे हैं, कभी घट रहे हैं, तो क्या कुछ और अधिक निर्देश दिए गए हैं इसको लेकर? देखिए, अगर बात की जाए कोरोना महामारी की तो हम सब वाकिफ है किस तरीके से इसने अपना कहर जो है पूर्वोत्तर पहले भी दिखा चुका है। अगर 24 घंटे में बात करें तो कुल 9355 नए मामले भी दर्ज किए गए हैं। वही 26 नए मौतों के बाद देश में कोविड से जान गंवाने वालों की संख्या अब तक 5,00,000 से ज्यादा हो चुकी है। बीते समय की अगर बात की जाए तो कोरोना के केस भले ही थोड़े बहुत कम दिख रहे हैं, लेकिन ये व्यापक स्तर पर अभी भी एक समस्या यानी प्रश्न चिन्ह जो है वो बना हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है, लोगों की गैदरिंग है, तमाम जनसभाएं हो रही हैं और इस बार का जो संक्रमण है वो तेजी से फैल भी रहा है। हालांकि यह संक्रमण उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन ये फैलने में ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। अगर बात करें राजधानी लखनऊ की तो कुल 120 कोविड धनात्मक रोगी पाए गए। इससे पहले राजधानी लखनऊ में ये संख्या 100 के नीचे आ रही थी, लेकिन कल से जो यह संख्या 100 के ऊपर जाना शुरू कर दी है। 120 कोविड धनात्मक रोगी पाए गए। इसके बाद अगर बात की जाए तो एक्टिव केसों की संख्या जो पहले 1,000 पार हो चुकी थी उसमें थोड़ा सा सुधार होना शुरू हो गया है। अब तक 770 जो कि अब पहले से काफी कम है, एक्टिव केस की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। वहीं लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इस चीज की मॉनिटरिंग की जा रही है, अलग अलग प्रदेशों के स्वास्थ्य विभाग इस चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि ये संक्रमण जो है इस पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। केदारनाथ के बाद अब भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। चमोली
पद में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट गुरुवार सुबह 7:10 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। कपाट खोलने से पहले ही बद्रीनाथ में भारी बर्फबारी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी श्रद्धालु वहां जयकारे लगाने के साथ झूमते हुए नजर आए। इस वर्ष भी भगवान बद्री विशाल के कपाट खोलते ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से भगवान की पहली पूजा और आरती हुई। बद्री केदार मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर पवार ने बताया कि देश की सुख और समृद्धि तरक्की के लिए प्रतिवर्ष बद्री नारायण की प्रथम पूजा देश के प्रधानमंत्री के नाम से की जाती है। आईटीबीपी के बैंड के अलावा गढ़वाल स्काउट्स भी इस मौके पर प्रस्तुति दी। कपाट खोलने से पहले शंकराचार्य अव्यक्त मिश्रानंद मंदिर पहुंच गए थे। मंदिर को 15 टन से अधिक फूलों से सजाया गया है। आज के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।